बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त दोबारा आपके खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम हैं अलहमरा और उसकी तकरीबन ये चौथी किस्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। नहायत ही उमदा जगह है, देखने वाली है और थका देने वाली है। बंदा चल चल कर चल चल कर थक जाता है। ये पीछे मुझे पीछे मेरी इमारत नज़र आ रही है। इस इमारत में अभी आपको लेके जाते हैं। इसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ से है, अभी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन से लगता है कि रोमन ने बनाई है। अगर हिस्ट्री में पढ़ें तो फिर चलेगा पता कि आया कि रोमन ने बनाई है या उनसे भी पहले की है। अभी हम जा रहे हैं चार्ल्स वी के पैलेस को देखने। और ये जो इमारत आपको मैं इस साइड से दिखा रहा था, बेसिकली ये चार्ल्स वी का महल है। ये कदर मुख्तलिफ इमारत है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है जैसे ये रोमन्स ने बनाई हुई है। कहते हैं यहाँ पर रोमन्स ने भी हुकूमत की थी, मुसलमानों ने भी हुकूमत की थी और ईसाइयों क्रिश्चियन ने भी हुकूमत की थी। बहुत ही बड़ी इमारत है। अंदर जाके देखते हैं कि ये किस तरह की है और आपको भी दिखाते हैं। इसी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम भी है और ये जो मशीनें लगी हैं जहाँ से आप म्यूज़ियम की टिकट ख़रीद सकते हैं। ये अंदर से ऐसे है जैसे फिल्म आपने देखी होगी ग्लैडिएटर, और दरमियान में ग्लैडिएटर के आखिर में दरमियान में जब लड़ाई हो रही थी उसी तरह की जगह लग रही है। और साइडों से घोड़े निकलते थे और दरमियान में दो लड़ रहे थे, पहलवान और मुख्तलिफ किस्म के वो जो थे करतब कर रहे थे। उसी तरह की इमारत लग रही है। पहले आपको जो साइड से दिखाते हैं फिर आपको उसके मिडिल में लेके जाएंगे और देखते हैं कि ऊपर ही आने का रास्ता है कि नहीं। अब मैं पहुंच गया हूं इस इमारत के मिडल में। और यहां से आपको घूम के दिखाता हूं। और मुझे लगता है कि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो उस साइड पे है। और मेरे भाई भी ऊपर जा रहे हैं, उसी रास्ते से हम ऊपर जाएंगे और जाके देखेंगे कि ऊपर से इसका व्यू कैसा नज़र आता है। ये देखें सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी हैं। देखिए मार्बल लगा हुआ और इसका छत अल नसीर
नसीर जो महल था उसके कुछ हिस्सों में छाता से था। ये देखें यहाँ से इसका व्यू। अगर आपको दुनिया घूमने का चांस मिले, कहीं विज़िट करने का चांस मिले, तो स्पेन लाजमी है। स्पेन आए तो ग्रेनाडा लाजमी है। अगर ग्रेनाडा आते हैं तो अल्हम्ब्रा किसी सूरत में से ना करें। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए और आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आएगी। ये पुराने ज़माने के तोपे जिन्होंने रखी हुई हैं। ये तीनों तकरीबन एक साइज़ की हैं और ये बड़ी है। ये किसी चर्च की इमारत लगती है और जाके देखते हैं ये क्या है। अगर अंदर जाने की इजाज़त हुई तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये बिल्कुल इस इमारत के साथ है जो आपको दिखाई थी थोड़ी से पहले, जिसकी अंदर से रोमन लग रही थी, उसके बिल्कुल इस साइड के सामने है। अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, कहते हैं ये किसी ज़माने में मस्जिद हुआ करता था, अब इसको चर्च में तब्दील कर दिया गया है। रास्ते में निकलने से पहले जो जो चीज़ नज़र आएगी वो भी आपको दिखाते जाएंगे। ये कैफेटेरिया और इसके अंदर भी आयात वगैरह लिखी हुई हैं। पैराडो डी टूरिज्मो सान फ्रांसिस्को, ये गार्डन लगता है, ये भी अंदर से जाकर देखते हैं। इस पर एक फल लगा हुआ मैंने कभी पहले देखा नहीं है, क्या अगर आपको पता है कमेंट में लाजमी बताइएगा। फाउंटेन लगे हुए हैं और बैठने की जगह भी है। इस गार्डन में अनार के दरख्त भी लगे हुए हैं। और आगे जाके देखते हैं कि ये क्या है।
यहाँ पे एक इमारत है, परचम लगे हैं, उसका दाखिल दरवाज़ा भी है। सिक्सटीन सेवेंटी नाइन ये मैं पढ़ सकता हूँ, बाकी कोई ज़ुबान ही और लिखी हुई है। ये अंदर एक सहन सा बना हुआ बैठने की जगह बनी हुई है। और ये जो हिस्सा है नसर पैलेस की तरह के तरह का हिस्सा है ये। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, टॉम ऑफ एजबेला एंड फर्नैंडेंड, ये बेसिकली कोई मकबरा है। और फ्रेंसिकन चर्च भी है ये। यहाँ पे फ्लोर प्लान बना हुआ और लिखा हुआ है पैलेस ऑफ अननोन प्रिंस, और ये साथ हम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ से हम एंटर हुए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अल्हम्ब्रा के व्लॉग पसंद आए होंगे। ये अल्हम्ब्रा का आखिरी व्लॉग था बल्कि है, आपने इंजॉय किया होगा। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।